नमस्कार, मैं निमिष भंसाली और आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश में अब कमलनाथ सरकार जो है वो किसानों को लगता है खटक रही है और उन्हें उनके शिवराज मामा फिर से याद आने लगे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है और सरकार को, या यों कहें कि उस सरकार को जो किसानों के कर्जे माफी के वादे के साथ ही सत्ता में आई थी, उस कमलनाथ सरकार को शायद किसानों की कोई फिक्र अब तक तो दिखाई दे नहीं रही है। ये किसानों का मानना है, ये वीडियो देखिए। कई कर रिया दादा तम यो तमाने दिख रिया कई कर रिया तो सोयाबीन काट रिया तम तो काटा नहीं तो कई कर रिया पूरे की पूरी बांध के देख लो या कई एक दानो नहीं आयो एक पापड़ी नहीं आई हमें काटा नहीं तो कई करा बांध तो रिया तो सारी काटो का कहीं काटा नहीं तो कई कर रिया उभी रहता आत्मा भले हमारी और कई कर रहा है पूरी बांध रहेगी 50 बीघा बांध रहेगी पूरा की पूरी बांध रहेगी तो हमारी तो भैंस और पटक रहा ज्यादा काट 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 के भैंसों ने पटक रहा तो मुआवजा भी तो नहीं दे सरकार तो मुआवजा देते क्या आस करा कमलनाथ सरकार है मामा जी याद आ रहा अभी मामा जी होता तो मुआवजा देता मामा जी याद आ रहा ज्यादा तुम्हारे मामा जी आ रहा तो कमलनाथ सरकार भी है दयालु देखा दे दे तो दे दे 2 लाख तो नहीं दिया पर ही दे दे तो दे दे दादा 2 लाख तो नहीं दिया दादा ये कहां से दे देगा रे झूठ बोले झूठ बोल के वोट लेने आज कमलनाथ सरकार के तो झूठ बोलनी सरकार है झूठ बोलनी है दादा तो झूठ बोलनी तो है दादा पर दे दे तो दे दे देखो तुम्हारा किस्मत है लोग कहीं कर रहे मामा जी होता तो जड़ बैठता अपना भोपाल ने तो दादा तुम तो काट ही रहा धनुक कहीं काट रहा ज्यादा ढोर के पटक रहा है नी करा खेत नूरा अच्छा और कहीं करा मुआवजा मिल रहा था ठीक नहीं रहता है जो पास पी के देखा जो पास पे होगा कहाँ गाँव का दादा तुम इधर चौकी मुरा था बात का जिला शाजापुर तहसील गुलाना ज्यादा तो ये पोर के तुम्हारा पिछला साल 2 लाख मिल गया था कि नहीं अरे 2 लाख ना कहीं 1 लाख कहीं भी नहीं मिले दादा पिछले साल भी हमारे मुआवजा नहीं मिले चलो भी नहीं हुई तो काटो ज्यादा ना पटको भैंस का दादा दूध ज्यादा देगी भैंस तुम्हारी। दरअसल पिछले सोमवार को जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मालवा क्षेत्र के बड़ोद में किसान आक्रोश रैली में सम्मिलित होने जा रहे थे तब भी उन्हें रास्ते में किसानों ने रोककर बारिश के कारण खराब हुई फसलों की स्थिति बताई थी। और उस वक्त शिवराज सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि सरकार से मेरी पहली लड़ाई तो यही है कि किसानों का कर्जा माफ करो, उनको मुआवजा दो, फसल बीमा की राशि दो, मैं किसानों के साथ हूं और जब तक सांस चलेगी चिंता मत कीजिएगा, आपके हक की लड़ाई ये शिवराज सिंह लड़ता रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त भी किया कि किसानों की जो फसलें नष्ट हुई है वे उनका मुआवजा भी दिलवाएंगे और उनके हक की लड़ाई भी लड़ेंगे और उनके साथ खड़े रहेंगे। फल्ली नहीं लगने के कारण हमारे ऐसे किसान बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। आज मुझे फसल भी सौंपी है, ज्ञापन भी सौंपा है। मैं पहले जिला प्रशासन से बात करूंगा लौट के और तत्काल ये मांग करूंगा सरकार से और जिला प्रशासन से, इस फसल का सर्वे होना चाहिए। जब मैं मुख्यमंत्री था मैं देर नहीं करता था किसानों को राहत देने में, लेकिन इस सरकार की भी ड्यूटी है कि कम से कम जो फसल का नुकसान हुआ है उसका ये ढंग से सर्वे करवाए, राहत की राशि दे और बीमे की राशि दिलवाए। किसानों की जायज बात की, जायज मांग का मैं समर्थन कर रहा हूं। पहले हम चर्चा और बातचीत करेंगे और चर्चे से अगर प्रशासन और सरकार नहीं मानी तो किसानों की लड़ाई हम सड़कों पर लड़ेंगे। किसानों को बर्बादी के कगार पर हम अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए पहले बात करेंगे और बात से समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अब जब सरकार ने देखा कि भाई विपक्ष इस बात का मुद्दा बना सकता है तो कमलनाथ जी ने भी एक चिट्ठी लिख दी किसानों के नाम और उसमें ये कहा कि भाई मैं तो काफी दिनों से आपसे चर्चा करने की सोच रहा था, किंतु सरकार चाहती है कि सिर्फ कठिनाइयों पर ही नहीं बल्कि समाधान पर भी चर्चा हो।
हमने प्रदेश के 55 लाख किसानों में से 37 लाख किसानों के जो कर्जे हैं वो लोकसभा चुनावों के पहले ही लगभग 7000 करोड़ के माफ कर दिए हैं। तो हमारा चुनावी वादा तो जो था वो हमने निभा दिया है। और अब भी हम किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि आप अपने ऋण का नवीनीकरण जो है वो करा लीजिए। तो भाई चिट्ठी तो सरकार ने लिख ही दी है और मामा जी ने भी अपनी चिंता जाहिर कर ही दी है, पर सवाल ये है कि बर्बाद फसलों के साथ खड़ा मायूस किसान ये सोच नहीं पा रहा है कि इस वक्त मैं करूं तो क्या करूं। खैर अब जो भी हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों की ओर ध्यान दे, क्योंकि वो अन्नदाता है, वो जो मेहनत करता है उससे ही पूरे देश का पेट भरता है, दो वक्त की रोटी मिलती है। इसलिए अपने सारी योजनाओं को ताक में रखते हुए सबसे पहले किसानों की चिंता सरकार को करना चाहिए। खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा, हमें खुशी होगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।